हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत हिबिस्कस में फूल खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, कल से ही फूल खिला हुआ है तो आज शाम तक रहेगा और उसके बाद मुरझा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हाथ लगाई तो फूल टूट गया। अगर हाथ नहीं लगाती तो फूल अभी पेड़ में लगा रहता फ्रेंड्स। तो अभी भी हिबिस्कस खिल रहा है, पर इसका साइज अब बहुत छोटा होता जा रहा है फ्रेंड्स। हिबिस्कस सब में ब्लैक वाले कीड़े लगना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हम कटाई छटाई कर देते हैं। पौधा हल्का हो जाता है, पत्ते कम रहते हैं फ्रेंड्स, तो पौधे में कीड़े नहीं लगते। तो इस बार तो मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी, इसलिए इतना काम नहीं कर पाई। अब फरवरी के टाइम में ही करूँगी। और जो एक्स्ट्रा पत्ते मुझे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, वो सब मैं हटाती जाती हूँ जिससे कि पेड़ हल्का रहे। और ये देखिए, रेड वाले में भी फूल खिले हुए हैं। इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। इस वाले हिबिस्कस के फूल भी बहुत ही खूबसूरत है, और धूप लगने के कारण पत्ते के कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और ये देखिए, पीला कलर ही है जो अभी दिखाई हूँ, उसी कलर का ये सिंगल पेटल में है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं फ्रेंड्स, और गर्मी में बहुत भर भर के इसमें फूल देते हैं। तो इसमें मैं दो तीन जगह ग्राफ भी की थी, सारे ब्रांच लग गए। तीन ब्रांच लगाई थी, तीनों लग गए फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कितने ज़्यादा मात्रा में ब्लैक कीड़े लगे हुए हैं, तो स्प्रे करना पड़ेगा। तो अभी फ्रेंड्स, धूप निकलने के बाद ही स्प्रे करना है। 10 बजे के बाद ही धूप निकलती है, तो धूप निकलने के बाद ही, नहीं तो हम सुबह करेंगे तो पौधे सब नुकसान में चला जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा हिबिस्कस नहीं है, हम आज फ्री के पौधे का सीड कलेक्ट करके रखेंगे फ्रेंड्स, फिर से अगले सीज़न फ्री के पौधे लगाने के लिए। तो पहले, उससे पहले सुंदर सुंदर फूल देख लेते हैं। देखिए, ये भी फ्री, पिछले सीज़न के फ्री के ही पौधे तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। कैलेंडुला के बहुत ही खूबसूरत ये फूल होते हैं, और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स। और देखिए, अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये बीज बन रहा था, तो बीज बनना शुरू हो गया था फ्रेंड्स। पर अभी हमें फूल लेना है, क्योंकि अभी पौधा तो फूल देना शुरू किया है फ्रेंड्स। तो अभी हम बीज नहीं लेंगे, हम जब बहुत अच्छे से फूल सब खिलने लगेगा उसके बाद हम बीज के लिए रखेंगे। और देखिए, ये एनुअल क्रिस्टम है, तो इसमें भी सेम पीले कलर का ही फूल आएगा। एक सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों का बीज रखी थी फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। और हमारा पिटोनिया, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे गार्डन में गिलहरी ने या चूहे ने बहुत ज़्यादा काम किया है फ्रेंड्स। बहुत सारे पिटूनिया के फूल कट कर दिए हैं, और एक बैंगन था वो भी कट कर दिया है फ्रेंड्स। और एक नुकसान और भी किया है जो आगे वीडियो में दिखाऊंगी, उसे देख कर मन बहुत दुखी हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए, गुलदाउदी की कटिंग जो लगाई थी एक में ही ज़्यादा, तो वो सबको अलग करके छोटे छोटे से ग्रो बैग में लगा दी हूँ। तो देखिए, ये भी अब धूप जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये भी खिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्री के ही पौधे हैं, पिछले सीज़न में गांव से लेके आई थी, तो पिछले सीज़न में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और उस बार तो और भी ज़्यादा ये पौधा था फ्रेंड्स, इस बार तो दो ही पौधे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल होते हैं। देखिए, बिल्कुल मखमल से लग रहा है ऊपर से। तो ये इसके देखिए, अब पत्ते सब सूख रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका बीज ऐसे ब्लैक ब्लैक से होते हैं और बहुत आसानी से उग जाते हैं फ्रेंड्स। और एक बार अगर हम अपने गार्डन में से ले आते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा साथ ये कभी नहीं छोड़ता है। बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो देखिए, ये इसमें से तो मैं बहुत सारे बीज निकाल के दे दी हूँ किसी को, और दूसरा वाला जो है उसमें बीज है, तो आज हम इस सब को कट कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ब्लेड ले ली हूँ और नीचे से नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें मैं हिबिस्कस की कटिंग लगा दी थी फ्रेंड्स, ऊपर का जो ब्रांच कट की थी, तो इसमें नए पत्ते आना शुरू हो गया है। तो इसे थोड़ा ऊपर से ही मैं इसको कट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इसको कट कर दी ही, और इसका बीज मैं रख लूँगी। अब फूल के ऊपर जो है, फूल ऊपर डंडी के साथ ही मैं उसे पानी में रख दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक इसका डंठल पानी में रहेगा तो काफ़ी दिन तक ये पानी में ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स। काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में।
तो चलिए हम बाद में बीज निकाल लेंगे और हम दूसरे पौधे को भी कट कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए एलोवेरा जिसमें लगा था उसी में उगाया था, क्योंकि उस मिट्टी में होगा पिछले सीज़न का। मैं पिछले सीज़न इसका बीज कलेक्ट करके नहीं रखी थी फ्रेंड्स, मिट्टी में ही डाल दी थी। वैसे तो बहुत सारे पौधे उगे थे पर दो ही पौधे बचे, और सब था मैं दो चार दे भी दी हूँ। और अभी इसको भी हटा देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी कट कर देते हैं, क्योंकि एक हाथ से नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये सब पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गार्डन में फ्रेंड्स, और इसका हम थोड़ा मिट्टी अच्छे से बनाते हैं तो बहुत लंबे लंबे प्लांट हो जाते हैं। और देखिए नीचे से मैं पूरे जड़ को निकाल ही नहीं हूँ, वैसे ही इसमें से ये ब्रांच अब निकलेगा नहीं, तब भी मैं छोड़ दी हूँ। और ये देखिए एनुअल क्रिस्टमम और कैलेंडुला की कटिंग लगाई हूँ फ्रेंड्स, तो ये कटिंग लग गए हैं, इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और तो चलिए इस सबको भी बीज निकाल के, इस बार मैं थोड़ा सा बीज रख लेती हूँ कलेक्ट करके, जो सीज़न आने पे हम लगाएंगे फ्रेंड्स। और कुछ को अभी गार्डन में डाल देती हूँ, मिट्टी में रहेगा तो समय आते ही अपने आप ही उग जाते हैं फ्रेंड्स। तो मिट्टी में डालने से भी बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, समय आने पे अपने आप ही उगते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे बीज इसमें हैं, तो ऐसे ही मैं इसमें बीज निकाल के रख लेती हूँ। अभी हम तुरंत इसको फ्रेंड्स डब्बे में पैक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करना फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स। तो चलिए हम बीज कलेक्ट करके रख लेते हैं, क्योंकि अगले सीज़न भी हमारे गार्डन में ऐसे ही सुंदर सुंदर फूल खिले। तो फ्रेंड्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे हम एक बार लेके आते हैं तो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी भी हमारा साथ छोड़ के नहीं जाता है, हम थोड़ा सा भी केयर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये देसी वैरायटी का है फ्रेंड्स, इसमें डॉब वैरायटी में भी आता है, छोटे छोटे रहते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सारे कलर आते हैं पर हमारे पास नहीं है। और ये देसी में फ्रेंड्स मैं इस एक ही कलर यही देखी हूँ, जो हमारे तरफ इसे कोई लगाते नहीं थे फ्रेंड्स, अपने आप ही उगते रहते थे, तो वहीं से मैं ये एक फूल तोड़ के ले आई थी। तो देखिए दोनों को मैं ऐसे डंठल बना के रख ली हूँ, जो पानी में रख दूँगी नीचे, तो काफ़ी दिन तक ऐसे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स गुलदस्ते की जैसे। और इस डब्बे में बीज को रख दी हूँ, जो नीचे किचन में जो साबुन का डब्बा सब फ्रेंड्स ऐसे खाली होता है, तो मैं उसे गार्डन में ही बीज सब रखने के लिए यूज कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बीज हम ऊपर का लेके, और ये जो बड़ा सा टप है जिसमें अरबी लगा है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बीज रहता है फ्रेंड्स मैं इसी में डालती रहती हूँ, और जो भी पौधे उगते हैं तो मैं इसमें से निकाल के जहाँ लगाना रहता है लगा लेती हूँ। तो देखिए इसमें बहुत सारे बीज डला हुआ है और बहुत सारे पौधे सब इसमें उगते भी रहते हैं, क्योंकि इसका मिट्टी बहुत ही हल्का बना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको दो चार दिन इसी में रहने देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ही इसको हम पैक करके रखेंगे, नहीं तो अभी अगर हम रखेंगे तो इसमें फंगस लग जाएगा, बीज ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। वैसे इसको बीज को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, ये गार्डन में अपने आप ही उगते रहते हैं, तभी मैं सेव कर ली हूँ, किसी को देना होगा तो दे दूँगी, क्योंकि बीज से बहुत सारे पौधे उग जाते हैं फ्रेंड्स। पर हमारा छोटा सा गार्डन है तो हम उतने सारे पौधे लगा नहीं पाते हैं, और हमारे पास हमेशा पॉट की मिट्टी की कमी रहती है, क्योंकि छोटे से जगह पे हम कितना सारा पौधा लगाएंगे। वैसे भी बहुत सारे मैं परमानेंट पौधे लगा ली हूँ। तो चलिए देखिए अभी सर्दी के फूल सब उतने अच्छे से नहीं खिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो कुछ ही दिनों में वो सब भी खिलने लगेगा, क्योंकि एनुअल क्रिस्टमम का जितने भी पौधे हैं उस समय कली बहुत अच्छे से बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो कुछ ही दिनों में खिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और चलिए दिखाती हूँ आगे और क्या नुकसान किया है गिलहरी या चूहे ने, जो भी किया है फ्रेंड्स, पर बहुत तकलीफ हुई है देख के। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नारियल का था इसमें लगा हुआ पहले, तो उसे कट कर दिया, उसमें से फ्रेंड्स अब जैसे लग रहा था कि पौधा निकलने वाला है, और बहुत ही खुशी हो रही थी फ्रेंड्स देख के। और एक बैंगन था वो भी खा लिए, तो एक बैंगन हम लोग ने खाए, एक बैंगन गिलहरी ने खा लिए फ्रेंड्स। गिलहरी बहुत ज़्यादा आते हैं, वही नुकसान किए होंगे। और बहुत सारे पौधे सब तोड़ भी दिए हैं, पिटूनिया के बहुत सारे फूल कट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।